आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। व्हाट आर एलिमेंटरी स्पीशीज? पूछा गया है एलिमेंटरी स्पीशीज क्या होते हैं। तो एलिमेंटरी स्पीशीज ऐसे इंडिविजुअल्स या फिर स्पीशीज होते हैं जो कि वेरिएशन शो करते हैं पेरेंट से, और जो कैरेक्टर्स में भी चेंजेस पाए जाते हैं पेरेंट्स और वही ऑफस्प्रिंग में भी जो कि पेरेंट्स से नहीं मिलता है। अब चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो इनका चेंजेस होता है वो क्यों होता है, तो वो एब्सोल्युटली होता है म्यूटेटेड कैरेक्टर से या फिर म्यूटेशन से। मान लीजिए पेरेंट में एक जीन था जो कि GAG को क्या करता था, ऑर्गेनाइज करता था। और ये GAG क्या है, तो ये है ग्लूटामीन। ग्लूटामीन प्रोटीन को सिक्रीट करता था, लेकिन यही जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में गया तो जीन में या फिर क्रोमोसोम में थोड़ा मिस्टेक हो गया और उन्होंने GAG को ऐसे ही कॉपी नहीं करके वो A के जगह U डाल दिए और सिक्रीट हुआ GUG, जो कि किसको करने लगा प्रोमोट, तो ये करने लगा वैलीन को प्रोमोट। और जब भी ऐसे चेंजेस हो जाते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग है वो नॉर्मली पेरेंट्स जैसा नहीं होता है, या फिर वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है, जैसे ये सिकल सेल एनीमिया का कैरेक्टर है, तो ये जैसे ही चेंज हो गया ऑफस्प्रिंग में तो ये क्या हो गया, ये डिजीज्ड बन गया ड्यू टू अ स्मॉल बेस पेयर ऑफ चेंजेस। तो ऐसे ही छोटे छोटे वेरिएशंस जो है वो कैरेक्टर में झलकते हैं जो कि पेरेंट में नहीं थे लेकिन ऑफस्प्रिंग में पाए गए हैं, और इसी सारे स्पीशीज को एलिमेंट्री स्पीशीज के नाम से जाना जाता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।